देखिए ये तो प्रोग्राम है फैक्टोरियल के लिए कि ये प्रोग्राम से हमें कोई नंबर का फैक्टोरियल हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें मैं क्या वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा प्रोग्राम में देखो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वेरिएबल में क्या वैल्यू हम स्टोर किए हैं। तो ये प्रोग्राम ये लॉजिक के बाद मैं फिर वेरिएबल के बारे में भी समझाऊँगा। अच्छा इस प्रोग्राम को रन करते ही क्या डिस्प्ले होगा, एंटर द नंबर, उसके बाद स्कैन एफ कितने वैल्यू लेगा, एक वैल्यू यूज़र को जब वैल्यू एंटर करना पड़ता है जब रन करेंगे तो हम समझो कि 5 दिए तो ये 5 जाके किस में स्टोर हुआ, एन में स्टोर हो गया। अब उसी का फैक्टोरियल फाइंड करना है, जब हम 5 दिए उसका फैक्टोरियल हमको चाहिए, उसका फैक्टोरियल हमें आउटपुट में हमको चाहिए। देखो ये कैसा फाइंड होता है, यहाँ पे ये फॉर लूप के बाद बेसिक जो भी जानता है ये इसका मालूम होगा फॉर लूप कैसा काम करता है। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा तो इसमें क्या है, हम आई में 1 दिए हैं तो यहाँ लिख रहा हूँ देखो आई की वैल्यू 1 कामा, तो आई की वैल्यू 1 है, 1 इनिशियलाइज हुआ है, इसे इंसुलेशन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ कंडीशन रहता है, कंट्रोल कंडीशन को आता है, आई में अभी 1 है ना ये ट्रू होगा, जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी है जब तक ये ट्रू होता रहेगा, कि एन की वैल्यू हम कितना समझें यहाँ देख सकते हैं आप 5, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो इधर आता है, इसका एग्जीक्यूशन ऐसा होता है कि कंडीशन ट्रू होते ही इमीडिएट जो स्टेटमेंट है लूप का ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये पूरा दोनों लाइन मिला के एक ही स्टेटमेंट में गिनती होता है, यहाँ सेमीकोलन नहीं रहता है, यहाँ ऐसा ही 1 लिखा हूँ मैं, प्रोग्राम में नहीं लिखा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है, एफ में मैं ऑलरेडी 1 दिया था, आई में अभी 1 हुआ, 1 × 1 कितना हो 1, किस में स्टोर हो रहा है एफ में, तो एफ में आप स्टोर कर लीजिए 1। तो उसके बाद कंट्रोल फिर अपडेट एक्सप्रेशन को जाता है, आई प्लस प्लस के बाद आई की वैल्यू जो भी है वो एक बढ़ेगी, और उसके बाद फिर कंडीशन को जाता है, कंट्रोल यहाँ पे नहीं जाता है, यहाँ पे एक ही बार जाता है, एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे आता है आई में 2 है तो भी क्या है ट्रू है, क्योंकि आई की वैल्यू जब तक एन से छोटी है तब तक ट्रू होगा ये। अब फिर इधर आएगा एफ में ऑलरेडी कितना है 1, इसका ऑलरेडी वैल्यू इंटू आई, आई का वैल्यू क्या है 2 है, 1 × 2 जब कितना हुआ 2, इसके अंदर 2 आएगा, और उसके बाद आई की वैल्यू होगी 3, तो कंडीशन ट्रू होने पे फिर यहाँ आता है जो आई की वैल्यू अभी ऑलरेडी 2 है ना एफ की वैल्यू, आई की वैल्यू 3 × 2 = 6, अब यह हो गया 6। समझो एफ में 6 क्या माने रखता है, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन है समझिए। फैक्टोरियल में क्या है, 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो 1 to 5 फैक्टोरियल करना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, अभी तक 1 to 3 मल्टीप्लिकेशन हुआ वही आंसर यहाँ है समझ सकते हैं आप। और उसके बाद ये 4 होगा तो दोबारा यहाँ को आएगा कंट्रोल, यहाँ रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी एफ में 6 है देखिएगा, आई में 4 है, 6 × 4 = 24, इस बार फिर ट्रू होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ 24 × 5 क्या है 120 हो जाएगा। उसके बाद आएगा नहीं क्योंकि अब ये 6 होगा तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ जब भी तक ट्रू होगा तो आई की वैल्यू जब तक 5 से अंदर है एन के एन तक एन को पार कर गया तो फॉल्स हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ को आएगा कंट्रोल फैक्टोरियल, आप जो लिखे वही प्रिंट हो गया फैक्टोरियल। आप इस पर क्या है, हमको यहाँ एन का वैल्यू प्रिंट होना है, एन में हमारा क्या है 5 है, एन का वैल्यू आप सिर्फ एन लिखोगे तो यहाँ एन बोल के प्रिंट हो जाएगा, नहीं हमको एन के अंदर जो वैल्यू दिया गया वो वैल्यू प्रिंट होना है, तो यहाँ स्पेसिफाइड देना पड़ेगा एन का टाइप क्या है इंटीजर है, वहाँ स्पेसिफाइड इंटीजर के लिए परसेंटेज डी लगा दो है एन का वैल्यू प्रिंट हो जाए, और इसके जगह में एफ का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा कि यहाँ स्पेसिफायर जैसा दिए हैं वो चार्टर में यहाँ वेरिएबल देना है उनके वैल्यू सीधा उनके जगह में प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या एल डी क्या वास्ते है, लॉन्ग इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर का स्पेसिफायर एल डी है तो एफ का वैल्यू यहाँ प्रिंट होगा एन का वैल्यू यहाँ प्रिंट होगा, ओवरऑल पे यहाँ ऐसा आउटपुट आएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 = 120। अब यहाँ देख सकते हैं तुम्हें, यहाँ देख सकते हैं कि फैक्टोरियल लॉन्ग इंटीजर में क्यों, एक वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, तो उसका आंसर फैक्टोरियल फाइंड होने के बाद उसका फाइनल आंसर एफ में स्टोर कर रहे हैं। फैक्टोरियल के आंसर बड़े बड़े आ सकते हैं, अभी तो 120 अलग बात है, तो 5 का फैक्टोरियल आप निकालें कि आपका कहीं 10 का फैक्टोरियल निकालना पड़ता तो लाखों में आता था, इंटीजर वेरिएबल उतना नहीं स्टोर कर पाएगा ना, मैक्सिमम इंटीजर वेरिएबल कितना स्टोर करेगा कि 32,767 क्यों उतना ही स्टोर करेगा, उसका कैपेसिटी कितना है, उसका रेंज कितना है, उसका कितना मेमोरी अलॉट होता है उसके लोकेशन को, ये सब भी आप है ना मेरे बिगिनिंग के वीडियो में आप डेटा टाइप पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा कि एक इंटीजर अंदर में कैसा स्टोर होता है, उसके लिए भी एक वीडियो है वो देखेगा तो आपको समझ में आएगा। एन में हम क्या स्टोर करें, इसमें तो आंसर स्टोर कर रहे थे, इसमें जिसका फैक्टोरियल निकालना है वो दिए थे, अब आई में क्या स्टोर करें, आई में लूप में दिए थे, एन की वैल्यू 5 है तो आई की वैल्यू 1 to 5 तक वेरी होती गई, तो ये दो छोटे है, एन छोटा ही रहेगा, उसका जब फैक्टोरियल निकलेगा वो बड़ा आएगा, इसके लिए थोड़ा बड़ा वेरिएबल ले लेना है फैक्टोरियल के लिए, ये हो गया। अब इसके बाद
तो ये प्राइम नंबर की बात आई अभी। प्राइम नंबर, इससे क्या होता है कि एक नंबर प्राइम है कि नहीं आप पहचान सकते इस प्रोग्राम से। देखिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है अकाडेमिक के लिए, सब अकाडेमिक के लिए, तो वो डिग्री हो जाए इंजीनियरिंग हो जाए, इसके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बोला जाता है इसको। और ये प्रोग्राम के बाद और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये समझ में आएगा तो वही समझ में आएगा, वो भी समझ में आएगा। ये तो क्या है, एक नंबर को प्राइम है कि नहीं पहचानना है इससे, और दूसरा क्या है, 1 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है उनको प्रिंट करना रहता है। अब ये समझेगा तो ही नेक्स्ट प्रोग्राम आप समझ पाओगे। अब देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन नंबर इज प्राइम आर नॉट, प्राइम आर नॉट, एक नंबर को प्राइम है कि नहीं पहचानना है। चलो थोड़ा दिमाग लगा के ये समझना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा भी राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन नंबर इज प्राइम आर नॉट। चलो अभी हम n में एक वैल्यू दे दिया, n में चलो 25 दिया, 25 देने के बाद अब हमें फाइंड करना है 25 प्राइम है कि नहीं है इस प्रोग्राम का टास्क। अब देखिए ये पूरा एक स्टेटमेंट में आता है, तो अब देखिएगा, अब n की वैल्यू हम क्या दिए, 25 दिए, तो 2 से शुरू कर रहे हैं। 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं, तो 1 से सब नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 2 से शुरू करो कोई नंबर से वो डिवाइड होता है क्या, देखेंगे। कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है ना, तभी उसे प्राइम बोला जाता है। अच्छा 2 से स्टार्ट करें, बात है n बाई 2 का तो कितना हुआ, n का तो 25 हुआ, n बाई 2 बोले तो 12 होता, 12.5 नहीं लेता, यहाँ पे इंटीजर बाई इंटीजर इंटीजर ही आएगा, 12 ही आएगा। देखिए ये लूप 2 to 12 तक ट्रू होगा, जब आई में अभी 2 है ट्रू होगा, 3 होने के बाद भी ट्रू होगा, 4 होने के बाद भी ट्रू होगा, 5 होने के बाद भी 12 तक ट्रू होगा, आई की वैल्यू चलती रहेगी। अभी 2 है, नेक्स्ट 3 होगी, 4, 12 तक। क्यों यहाँ 12 तक चला रहे हैं, तो बस है इसका हाफ क्या है, 12 है, तो 12 तक वो डिवाइड नहीं होगा, तो आप किसी से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए आप 12 तक देखिए बस, 2 to 12। और उसके बाद जब जब ये ट्रू है तब पूरा यहाँ आएगा। चलो अभी फर्स्ट टाइम ये ट्रू हो गया, आ गया, क्या है फर्स्ट टाइम आई में 2 है, एन में क्या दिए थे तुम्हें 25, यहाँ है देखिए, एन में 25 था, आई में 2 था, क्या डिवाइड होता क्या, देखिए इसमें 25 को 2 से डिवाइड करने के बाद ये ऑपरेटर को मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं, रिमाइंडर मिलता है आपको, 25 को आप 2 से डिवाइड करो, 25 को 2 से डिवाइड, रिमाइंडर 1 बचता है, 12 या 12 आंसर में नहीं आता है, 1 आता है, रिमाइंडर, ये ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर देता है। 25 को 2 से डिवाइड करने के बाद 12 या 24, उसके बाद बचा कितना, 1, वो रिमाइंडर, वो रिमाइंडर को 0 से कंपेयर करना, मैच हुआ क्या, नहीं मैच हुआ, डबल इक्वल से कंपेयर करते, मैच हुआ क्या, नहीं मैच हुआ, कि कहीं को 0 से कंपेयर कर रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ 0 आया कि नहीं, ये अभी फाल्स है क्योंकि इसका रिजल्ट 1 आया है, यहाँ 0 से मैच नहीं हुआ, ये फाल्स होने का मतलब ये है ये डिवाइड नहीं हुआ है, डिवाइड होता तो यहाँ 0 आता था ना, कोई भी नंबर को हम रिमाइंडर 0 आता है, सो मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इसका रिजल्ट 0 नहीं आने के वजह से इसका फाल्स हुआ, इसके रिजल्ट को 0 से कंपेयर कर रहा था। चलो फाल्स हो गया, फाल्स हो गया तो वापस चले आता क्योंकि अभी इटरेशन पूरे है ना, बाकी के ट्रू होता तो अंदर जाता था, फॉल्स हो गया तो वापस चल गया था। देखिए 2 से डिवाइड नहीं हुआ इसका मतलब वो प्राइम थोड़ी होगा, वो पूरों से देखना है, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तब उसे प्राइम बोलते हैं, वापस जाओ, फिर नेक्स्ट राउंड में आएगा, तो इस बार आई का वैल्यू 3 हुआ, क्या 25 आई के 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, फिर आता राउंड 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो गया, एक बार डिवाइड होता है तो आप ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड हो गया तो आप पता चल गया ये प्राइम है नहीं है, प्राइम हाइच नहीं है, डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, डिवाइड नहीं होता तो पूरे नंबर से देखना पड़ता था, क्योंकि पूरे नंबर से देख के किसी से डिवाइड नहीं होता तब प्राइम बोला जाता है, डिवाइड होने के बाद फिर क्या देखेंगे, डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं बोल के पता चल जाएगा। अभी क्या है, 5 से डिवाइड हो गया, इमीडिएट ये ट्रू हो जाता, इसका रिजल्ट भी 0 आया ना, इमीडिएटली ये ट्रू हो जाता, ट्रू होते सीधा इधर आता, इधर आने के बाद क्या होता, टेम्प में हम 1 रखे थे ना, यहाँ 0, टेम्प एक वेरिएबल है, टेम्प जस्ट एक वेरिएबल है, क्या भी नाम का ले सकते हैं, अब 0 कहीं को रख रहे हैं, मेरे को पहचानने के लिए कि यहाँ 0 इसलिए रख रहा हूँ, इसमें 0 रहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ डिवाइड हुआ तभी 0 आया बोल के हमको, अब समझो कोई काम हम करते हैं, करे कि नहीं करे याद नहीं रहता, उसके लिए हम कुछ लिख के रख लेते हैं, कुछ याददाश्त के लिए कुछ रख लेते हैं ना, ऐसा हम टेम्प में 0 डाल दिया, टेम्प में 0 डालने के बाद ब्रेक कर लिया, मैं
ब्रेक कर लिया। देखिए टेम्प में जीरो डालने के बाद मैं ब्रेक कर लिया, ब्रेक कर एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल इधर नहीं जाता है। बस देखो लूप के अंदर, ये पूरा लूप स्टेटमेंट ही है ना, ये ट्रू हुआ तभी ना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, यही लूप चल रहा था ना, ब्रेक एग्जीक्यूट कर तो ऐसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा आ जाएगा। क्यों ब्रेक कर दिया? अब पता चल गया वो प्राइम नहीं है। कैसा पता चल गया? तो अंदर ही नहीं आता था, वो प्राइम नहीं रहता, प्राइम होता तो डिवाइड हो गया तब ना अंदर आया है। हम टेम्प में जीरो इसलिए रखे, देखो मेरे को याद, मेरे को डिवाइड हो गया बोल के पता लगने के लिए। कुछ कुछ भी देखिए, आप किसी को एक चीज़ देते हैं, हम लिख के रखते हैं कुछ याद के लिए, कुछ रखते हैं ना, ऐसा एक कुछ रख लिया हम जीरो, तो ब्रेक देते इधर आ गया। अब यहाँ आने के बाद टेम्प में पहले हम क्या रखे थे? वन रखे थे। अभी वन है क्या? नहीं है, जीरो है, यहाँ फाल्स होता। टेम्प में वन रहता तो ट्रू होता था, यह फाल्स हुआ, इसका मतलब यहाँ आएगा गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। नॉट प्राइम क्यों हुआ? नॉट प्राइम इसलिए हुआ कि इसमें फाल्स हो गया है, इसमें जीरो होने की वजह से। इसमें जीरो रहने का मतलब क्या है? इसमें जीरो होने का मतलब वो डिवाइड है तभी ना जीरो आया होगा, है डिवाइड ही नहीं होता तो यहाँ जाता ही नहीं था, तो उसमें मेरा वन वैसा ही रहता था ना, तो जीरो आने का मतलब क्या है? तो यह डिवाइड हुआ तभी ना आया, इसलिए वो यहाँ इसके अंदर क्या है। अब हमें टेम्प के अंदर जीरो है तो समझो डिवाइड हो गया है, प्राइम नहीं है, वो वन ही है तो समझो कि जीरो नहीं आया, मतलब यह डिवाइड ही नहीं हुआ, तब जाके वो नंबर ऐसा ही रह गया। अच्छा अब देखो कि हम ये वन रखे थे, वन कब तक रखे थे हम? जब तक वो डिवाइड नहीं है। जब डिवाइड हो गया तो हम वो वन को हटा दिए, काट दिए, जीरो रख दिए, तो जीरो का मतलब क्या, वो डिवाइड हो गया ऐसा। चलो और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, 17 को लेंगे इस बार, एंटर द नंबर, इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एंटर द नंबर बोल के मैसेज आएगा, इस बार हम 17 दे दिए, 17। चलो कहाँ से शुरू करना है? 2 से, 2 से शुरू करो, n बाई टू का तो 17 बाई टू कितना हुआ? अब 8 समझिएगा, 8, इसका 8 आया, 2 से 8 तक, देखिए 2 से 8 तक हर वैल्यू से n को हम डिवाइड करके देखेंगे। n में क्या है? 17, अभी 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नेक्स्ट 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसा ही राउंड मार रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ आ रहा है, अपडेट हो रहा आ रहा है, अपडेट हो रहा आ रहा है, 16 से भी देख लिए, सॉरी 8 से भी देख लिए, अब 9 हुआ, और 9 पे यहाँ फॉल्स हुआ है, 8 तक ही छोड़ लिखा हुआ ना, 8 तक i की वैल्यू जब तक 8 को पार नहीं करती है जब तक ट्रू। देखो चल अब 9 हो गया फॉल्स, फॉल्स हो तो देखो ऐसा आता, देखिए सीधा ऐसा, सॉरी सीधा इसके बाद यहाँ आ जाता। अब मेरा टेम्प में मैं 1 रखा था, क्या जीरो आया? क्या नहीं आया ना, ये क्यों ऐसा? ये हमेशा के लिए फॉल्स था, 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से, किसी से डिवाइड होता तब ना जीरो आता था, किसी से डिवाइड नहीं हुआ, इसके अंदर जीरो आया च नहीं, सीधा वापस गया हर बार, तो यहाँ फॉल्स होते ही सीधा यहाँ को आ गया। टेम्प में मेरा 1 ही है, टेम्प में जीरो क्यों नहीं आया बोलो? हूँ जाके वो जीरो क्यों नहीं आया बोलो? जीरो इसलिए नहीं आया, जीरो आता था डिवाइड होता तो, 2 to 8 के अंदर, 2 to 8 तक में किसी एक आई की वैल्यू जब 2 थी, 3 थी, 4 थी, किसी एक नंबर से एन जाता तो जीरो आता था, जीरो आया अच्छी नहीं है, हमेशा के लिए फॉल्स हो गया। फॉर लूप देख लिया, मैक्सिमम 8 तक देख लिया, उसके बाद ये खुद फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया थोड़ी इधर आएगा, ये फॉल्स हो गया सीधा इधर आ जाएगा। टेम्प में मेरा रखा हुआ 1 हूँ, 6 टेम्प में 1 है, तो यहाँ चेक करा मैं टेम्प में 1 है क्या? आए तो गिवन नंबर इज प्राइम। टेम्प में 1 जो हट जाता उसे मार्क कर देते थे, हटा के जीरो आया था डिवाइड होता था, डिवाइड नहीं हुआ बोल के समझ गया। ये आके अब हम समझो कि अब 15 है, 2 to 7 के बीच में आई के हर वैल्यू से, आई का वैल्यू वेरी हो रहा है, देखो 2 से लेके 7 तक आई का वैल्यू वेरी हो रहा है, आई के हर वैल्यू से हम डिवाइड करके देखेंगे, तो लास्ट तक डिवाइड नहीं हुआ तो सीधा यहाँ को आके ये प्रिंट कर देगा। डिवाइड हो गया तो टेम्प में वाली जीरो हो जाती है, यहाँ ट्रू नहीं होता, यह होता था ऐसा। जितना इसका रेंज कहाँ तक डिवाइड करके देखना है उतना दूर तक हम हर नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड होता है तो ही टेम्प में जीरो आएगा, नहीं है तो वन ही ऐसा ही रहेगा। अब टेम्प में 1 है, 0 है तो यहाँ आ गया गिवन, हाँ इसके वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके गिवन नंबर इज प्राइम आर नॉट प्राइम। अब देखिए ये प्रोग्राम था एक नंबर को प्राइम है कि नहीं चेक करना, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन नंबर इज प्राइम आर नॉट। कभी कभी अकेडमिक में ये ज़्यादा पूछ रहा है आजकल टू प्रिंट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 0। अब यही देखो राइट ए प्रोग्राम, इसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, अब ये नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम क्या है चेंज कर रहे हैं, सो
write a program to print the prime numbers from 1 to 100. बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है यह प्रोग्राम को। अब देखिए, अब एक नंबर लिया आप, अब ये लॉजिक में आप किसे चेक करें, n, n में एक वैल्यू दिया, n में जो वैल्यू हमारा दिया गया है तो वो प्राइम है कि नहीं चेक करें आप n में। अभी क्या है, एक से लेके 100 के बीच में अब कितने नंबर्स प्राइम है सबको चेक करना है, सबको प्रिंट करना है। जब वो कैसा रहेगा, जब आके अभी n में क्या है, हम समझो 15 दिया है तो 15 को चेक करें यह प्राइम है कि नहीं, ऐसा हर एक नंबर को 1 से लेके 100 तक। तो और एक यहां लूप लगा दीजिए आप, फॉर n की वैल्यू 2। सर 1 को नहीं चेक करोगे क्या, 1 को नहीं चेक करते हैं कि इसलिए नहीं चेक करते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं है तो बेकार में चेक क्यों करेंगे, चेक कर भी देते हैं तो हमारे ये लॉजिक के हिसाब से देखें तो वो किसी से डिवाइड नहीं होता है, प्राइम में माने जाता है, फिर प्राइम बोल के आ जाता। और n लेस देन आर इक्वल टू 100 तक i प्लस प्लस, उस वक्त हम क्या कर रहे थे, उस वक्त n की वैल्यू हम यहाँ रीड कर रहे थे, देखो n की वैल्यू हम रीड कर रहे थे, कीबोर्ड से दे रहे थे। अब ऐसा नहीं है, n का वैल्यू अपने आप ले लेगा वो, अब होना है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं आप चाहेंगे तो कि 1 प्राइम नहीं है इसलिए हम 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं 2। अब ये n प्लस प्लस लगा दो यहाँ पे, यहाँ ब्लॉक खोल दो और टेम में यहां देना पड़ता आपको, हाँ टेम में देना पड़ता है, टेम्प इज इक्वल टू 1 यहाँ देना पड़ता है, ऊपर नहीं देने का जो है यहाँ देना पड़ता है आपको। अब टेम में 1 देखे, अब हो गया, अब इसके बाद समझा देंगे, डोंट वरी। चलो पास हो गया, थोड़े देर के लिए n में 2 होगा, बाद में 3 होगा, बाद में 4 होगा, 5 होगा, बहुत सारा जाएगा। तो ये एक बार का 2 बोले तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, पहले हम ये देख लेते हैं कि समझो n का वैल्यू आके 11 हुआ, 11 क्योंकि वो सब पास हो गया, समझो 11। चलो स्टार्ट हो जाए, n में 11 है समझ के चलो, n में क्या है 2 टू 100 तक हर वैल्यू होगा, तो अभी तो 11 है समझिएगा। अब चलिएगा टेम, टेम में क्या दिया 1, अब n n बाई 2 का तो कितना होता, 11 बाई 2 5, 2 टू 5 के बीच में, 2 टू 5 से अभी आई में 2 है, 2 से 5 हर बार यहाँ आएगा, आई में अभी 2 है, बाद में 3 होगा, बाद में ऐसा अपडेट होकर फिर आएगा ना, 3 होगा, बाद में 4 होगा, 5 होगा, किसी से डिवाइड होता है, किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, 6 होने के बाद ये खुद फाल्स होता है, तो सीधा आएगा टेम में क्या है, हमारा रखा हुआ 1 ऐसा ही है, हमारा रखा हुआ 1 ऐसा ही है तो ट्रू होगा, तो n की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर लेगा, n की वैल्यू क्या प्रिंट कर लेगा, n की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे 11 था वो प्रिंट हो जाएगा, n की वैल्यू प्रिंट कर लिया। चलो फिर अभी n का वैल्यू, ये स्टेप है, ये पूरा एक स्टेप है, ये पूरा एक स्टेप है, ये पूरा एक स्टेप है, ये तीनों स्टेप के बाद, ये ब्लॉक के अंदर है ना, ये लूप का, ये तीनों स्टेप के बाद यहाँ जाएगा। अब n की वैल्यू कितना होगी 12, तो फिर अंदर आया, टेम में 1 ले लिया, फिर नहीं कहीं 0 हो गया रहता तो फिर 1 लेना पड़ता ना, 1 2 टू 6, चलो पहले आई में 2 सोच लो, n में क्या है अभी, n में 12, क्या ये 2 से डिवाइड होता है, डिवाइड हो गया, टेम में 0 ले लिया, ब्रेक हो गया, इधर आ गया, ब्रेक हो गया तो फिर इधर नहीं जाएगा, इनर लूप वो स्टॉप जो लूप में है वो स्टॉप हो जाएगा। अब इधर आ गया, टेम में तो 0 लेके आया, नहीं प्रिंट नहीं होगा, टेम में 1 लेके आएगा तो प्रिंट होगा, टेम में 1 है तभी प्रिंट होगा ये, अब प्रिंट नहीं होगा, 11 प्रिंट हुआ, 12 नहीं प्रिंट हुआ। अब चलो फिर 13, टेम में फिर 1 रख लो, 0 हो गया था ना, 1 रख लो, 13 है ना, n बाय 2 13 बोले तो कितना हुआ, तो फिर ये भी 6 हुआ, 2 टू 6 में कोई भी नंबर से n में जो होगा जिसका 13 है, क्या वो 13 i का वैल्यू 2 टू 6 के अंदर कोई नंबर से डिवाइड होता है, नहीं,
वापस जाना पड़ेगा हर बार इसे, टू से डिवाइड ना होता, जाओ अपडेट हो भी रहा हो, थ्री अपडेट हो भी रहा हो, अपडेट हो भी रहा हो, चलो सिक्स तक देख लिया, फाल्स। अब फॉर लूप भी फाल्स हो गया, ध्यान थोड़ी आएगा, सीधा इधर आएगा, टेम में वन ही है, क्योंकि हाँ वन रखा था, जीरो आया नहीं, क्योंकि डिवाइड होता तब ना आता था ऐसा। चलो मैं पहले टू से स्टार्ट इसलिए नहीं करा था कि टू का देखिए, अब यहाँ टेम में वन रख लिया, एन बाई टू कितना वन, टू टू वन कहीं होता है ये टू टू वन, तो पहला अटेम्प्ट में फॉल्स होएगा, सीधा इधर आ जाएगा, प्रिंट कर देगा, देखना है कि जरूरत ही नहीं पड़ी उसे टू, क्योंकि टू हुआ एन बाई टू बोले तो वन हुआ, टू टू वन तो उल्टा हो गया है, वो सीधा आ जाएगा, एक बार भी ट्रू नहीं होता, ये ट्रू होगा तब ना डिवाइड करके देखेगा। अब क्या डिवाइड कर, अब थ्री है, अब थ्री बाई टू वो भी वन आएगा, टू टू वन, एक बार भी ट्रू नहीं होगा, वो आके थ्री प्रिंट होगा। फोर टेम में वन रख लिया, एन बाई टू हो तो एन में फोर है ना, फोर बाई टू, अभी एन में फोर है, इसका मतलब यह है कि फोर प्राइम है कि नहीं वो चेक किया जाता है। आप एन बाई टू हो तो टू, टू से लेके टू, हाँ एक बार ट्रू होगा, और एन में क्या है आपको, एन में फोर है, फोर टू से डिवाइड होता है, डिवाइड हो जाता, डिवाइड होता जीरो डाल लेता, ब्रेक होकर इधर आ जाता, यहाँ प्रिंट नहीं होता, टेम में जीरो आए तो प्रिंट नहीं होता, वन ही आए तो प्रिंट होता। फाइव, फाइव को टू से डिवाइड करता है, डिवाइड नहीं होता है, थ्री होता है यहाँ फॉल्स, क्योंकि एन बाई टू तक हमें एन बाई टू था, कोई भी नंबर का उसका हाफ तक ही देख रहे हैं, एन का हाफ क्या है टू, टू से देख लिया, अब थ्री हो गया तो फॉल्स, सीधा इधर आता है, प्रिंट करता है, क्योंकि टेम में जीरो नहीं आया ना, ये डिवाइड हुआ थोड़ी, तो सीधा एन को प्रिंट कर लेगा। बस ये कोड है, इसमें आउटपुट में क्या आएगा आपको, टू आएगा और थ्री आएगा और फाइव आएगा और सेवन आएगा, ऐसा डैश डैश तुम्हारे को एक्स और सौ के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो आएंगे। तो आप चाहेंगे तो यहाँ प्रिंट भी कर सकते हैं, आप प्रिंट एफ प्राइम नंबर्स, ये हेडिंग है प्राइम नंबर्स फ्रॉम वन टू हंड्रेड बोल के प्रिंट भी कर सकते हैं आप इसको जरा, तो यहाँ वन टू हंड्रेड प्रिंट करोगे तो यहाँ प्रिंट करो तो यहाँ भी आउटपुट में वो आएगा, आउटपुट में प्राइम नंबर्स, यहाँ जो प्रिंट करेंगे तो पर ये नहीं आएगा, अंडरलाइन नहीं आएगी, प्राइम नंबर्स बर्स फ्रॉम वन टू हंड्रेड ये पूरा प्रिंट होगा। एन में टू है तो है टू, एन में जो है उसे चेक कर रहे हैं ना प्राइम है कि नहीं है, थोड़ा हम ये ऐड कर रहे हैं बस, ऐसा कर दिया, ये आके प्राइम नंबर फ्रॉम वन टू हंड्रेड प्रिंट करने के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और इसके बाद ठीक है, हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, इसका वक्त ज़्यादा हो जा रहा है। प्लीज़ ये पसंद आया है तो आपको आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आप सब्सक्राइब करने से मेरे पूरे वीडियो आपको तो तुरंत मिल जाएंगे आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।